नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भारत है और आप देख रहे हो जेसीबी कंप्यूटर। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि मॉनिटर और प्रिंटर का कलर मैच आप कैसे कर सकते हो। कलर की प्रॉब्लम तीन तरह से हो सकती है। सबसे पहले तो जैसे कि आप ना अच्छी क्वालिटी का फोटो कमांड के लिए देते हो, उसके बाद आपका इस तरह से फोटो आ रहा है। इसके तीन कारण होते हैं। सबसे पहले तो आपने चेक करना है आपका जो प्रिंटर की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। क्वालिटी चेक करने के लिए आपने कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा, डिवाइस एंड प्रिंटर ओपन करना आपने। उसके बाद आपका जो प्रिंटर होता है उस पर आपने राइट क्लिक करना है और ये वाला ऑप्शन आपने चुनना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये A4 साइज रख सकते हो आप यहाँ पे, और फोटो के लिए आपने ये रखना है ग्लॉक्सी पेपर होता है जो, एप्सन प्रीमियम ग्लॉक्सी पेपर पे सिलेक्ट करना। अभी मैंने एप्सन का प्रिंटर कनेक्ट कर रखा था, मैं एप्सन के बारे में बता रहा हूँ आपको। और क्वालिटी आपको हाई रखनी है, हाई या मोर हाई पे कर सकते हो आप। उसके बाद ओके करना आपने। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ। आपका जो प्रिंटर है, प्रिंटर के आपने नोजल चेक करके देखना है कि उसमें कलर सब ठीक तरह से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और तीसरा कारण, अगर इस तरह से आ रही है, ये भी आपके प्रिंटर की प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह का फोटो आ रहा है तो ये भी आपके प्रिंटर की प्रॉब्लम आ रही है। फिर भी इसके बावजूद भी आपका कलर है प्रॉब्लम में आ रहा है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, दोबारा से कंट्रोल पैनल ओपन करना है। कलर मैनेजमेंट में जाना आपने। सबसे पहले तो आपने अगर यहाँ पे कोई फाइल दिखाई दे उस पर सिलेक्ट करके आपने रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और ये वाला ही ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आइडेंटिफाई मॉनिटर पे कर सकते हो, इस पर कर सकते हो आप। आपकी जो कलर की प्रॉब्लम है 100% सोल्व हो जाएगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।